ये बड़ा मस्त लग रहा है। अरे बटर लेग पीस वेजिटेरियन ना सब कुछ? हाँ जी, प्योर वेज है। बढ़िया बढ़िया। सनी लमनी, मियां खलीफा, वेजिटेरियन बटर चिकन। अच्छा, मगज वेज ऑफर आई, मगज वेज मगज है। ओके भाई, सनी लियोनी जी आ गई हमारे सामने। गाइस हम आ गए हैं बेबी डॉल के पास और बेबी डॉल अभी फ्राई हो रही है। और फिर बचा हमारा मियां खलीफा रोल। देखे जरा भाई क्या है ऐसा बेबी डॉल में, थोड़ा तोड़ के अंदर देखूं मैं। हेलो फूडीज, वेलकम टू आवर चैनल फूडी सैंड। गाइस आज हम दोबारा आपके सामने अनलिमिटेड फूड सीरीज का एक और फ्रेश सा एपिसोड लाए हैं, जिसके लिए हम पटेल नगर आ चुके हैं, बेसिकली वेस्ट पटेल नगर। और उसके लिए आज हम आए हैं सिंह मलाई चाप वाले। भाई एक ऐसी वीडियो आप हमारी साउथ मोती बाग में देख चुके हैं, जहाँ पे आपको अनलिमिटेड आइटम्स मिलने वाले हैं। मेन्यू के अंदर ना 250 से ज़्यादा आइटम्स है, मैं आपको बता रहा हूँ, और आप उसमें से कुछ भी ले सकते हैं अनलिमिटेड। वो भी बस कुछ कंडीशन है उसकी। ये कंडीशन है कि भाई एक बारी में ना आप एक ही आइटम ले सकते हैं, उसके बाद जब वो फिनिश हो जाएगा तो आप दूसरी आइटम ले पाएंगे, क्योंकि यार ऑब्वियसली वेस्टेज नहीं होना चाहिए इस चीज़ का। तो सिंह मलाई चाप पे आए हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप दूर से यहाँ पे आ रहे हैं ना तो पहले कॉन्टैक्ट ज़रूर करें यार। कॉन्टैक्ट नंबर ये रहा, हमेशा कॉन्टैक्ट करके ही आएँ और उनसे पूछे कि, क्योंकि इन्होंने लिमिटेड टाइम नहीं रखा, अनलिमिटेड ऑफ़र, ये कभी भी ख़त्म हो सकता है। ये एड्रेस है कॉटेज नंबर 31, शॉप नंबर 2, वेस्ट पटेल नगर, दिल्ली 7। चलिए अंदर चलते हैं, आपको दिखाता हूँ सारे आइटम्स जो भी है। मैक्सिमम बढ़िया बढ़िया आइटम्स यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। सनी लियोनी चाप, मियां खलीफा चाप, सब मिलने वाला है। पर वीडियो लाइक ज़रूर करें यार, आपके लाइक्स थोड़े कम होते हैं गाइस, तो एक टारगेट रखते हैं भाई, इस वीडियो पे 10,000 लाइक चाहिए। और आप करिए, 10,000 लाइक आप कर सकते हैं, मैं जानता हूँ। चलिए अंदर चलते हैं, बट उससे पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाना चाहता हूँ। सो गाइस, आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ बिग मसल्स न्यूट्रिशन का क्रूड वे से। डे टू डे लाइफ में हम सबको प्रोटीन की ज़रूरत होती है, और खाने से हमारा प्रोटीन पूरा नहीं हो पाता। अगर हम कर भी पाते हैं ना तो भी गाइस सब नहीं कर पाते, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम ध्यान ही नहीं देते अपने प्रोटीन डाइट के ऊपर। हम सबको रेगुलरली अपने वेट के हिसाब से प्रोटीन लेना चाहिए। जैसे कि अगर मेरा वेट 85 kg है तो मुझे रेगुलरली कम से कम 85 ग्राम्स प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए मैं लेता हूँ बिग मसल्स का क्रूड वे। गाइस इसकी एक स्कूप से मुझे 24 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, 5.5 ग्राम BCAA मिल जाता है, और 4 ग्राम ग्लूटामिन मिल जाता है, विद 0 ग्राम शुगर। ये प्रोटीन मिनिमली प्रोसेस्ड है, इसमें कोई भी सोए, कोई आर्टिफिशियल सब्सटेंस, कोई बैंड सब्सटेंस नहीं है, तो ये आपकी हेल्थ के लिए 100% सेफ है। सो यस, ये कम्प्लीटली सेफ प्रोडक्ट है, जो कि आपकी मसल एंड्योरेंस सबको मेंटेन करता है। गाइस डेली हम रेगुलर एक्टिविटीज़ करते हैं, उसमें हमारा मसल लॉस होता है, हमारा स्टेमिना लूज़ होता है, और ये हमारी बॉडी का मसल लॉस प्रिवेंट करता है, साथ में मसल इंक्रीज भी करता है, और हमारी डे टू डे डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ की परफॉर्मेंस बूस्ट करता है। गाइस क्रूड वे 2 फ्लेवर में अवेलेबल मिल जाएगा आपको, एक तो चॉकलेट फ्लेवर, एक इनका कैफेलेट फ्लेवर है। जो मुझे ज़्यादा पसंद है वो इसका 3rd फ्लेवर है, जो कि अनफ्लेवर्ड है। इसके अंदर कोई फ्लेवर नहीं है, कोई आपको टेस्ट नहीं मिलने वाला। इसको आप जैसी शक्ल में डालना चाहिए, अगर आप दूध में मिला के पियेंगे तो आपको दूध जैसा लगने वाला है ये। और इसकी कॉस्ट हमें पड़ने वाली है जस्ट 849 रुपीज़। एंड गाइस मार्केट में इतने सारे फेक सप्लीमेंट्स मिल रहे हैं कि हमें जेन्युइन सप्लीमेंट पहचान करने में काफ़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन बिग मसल्स ने इसका भी सॉल्यूशन हमारे लिए निकाला है। ये अपने हर प्रोडक्ट के साथ एक वेरिफिकेशन कोड भेजता है, जिससे कि आप उसकी ऑथेंटिसिटी पता कर सकते हैं कि वो प्रोडक्ट ओरिजिनल है या फेक है। मैं ये खुद लेता हूँ और आप सबको भी सजेस्ट करता हूँ ये लेने की, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स 100% जेन्युइन है। और अगर आप ये लेना चाहते हैं गाइस तो आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे इनका अमेजोन का लिंक मिल जाएगा। तो 1 kg क्रूड वे अनफ्लेवर्ड आपको 849 रुपीज़ का मिलने वाला है। भाई यहाँ पे इतने सारे चाप हैं, आप देख सकते हैं, पहले इतना सुंदर ये नज़ारा लग रहा है, कलरफुल सा। और सर हमारे साथ में बताएंगे कौन कौन से चाप हैं यहाँ पे। ये मलाई चाप है, पनीर टिक्का, ठीक है, पंजाबी अचारी, स्टॉप चाप, मसाला स्टॉप भी इसी में जाएगा, ठीक है, मशरूम टिक्का, मलाई मशरूम भी जाता है, अफगानी चाप, अच्छा, अफगानी मसाला भी इसी में जाएगा, बटर लेग पीस। ये बड़ा मस्त लग रहा है। अरे बटर लेग पीस वेजिटेरियन ना सब कुछ? हाँ जी, प्योर वेज है। बढ़िया बढ़िया। फिश टिक्का, ठीक है, और चिकन टिक्का, हाँ, सनी लमनी, मियां खलीफा स्टॉप, गार्लिक सब है। अच्छा अच्छा, मतलब इतने सारे आइटम्स हैं यहाँ पे। तो गाइस इधर ग्रेवी आइटम्स हैं हमारे, और ये क्या बन रहा है सर? बटर चिकन है जी। बटर चिकन, वेजिटेरियन बटर चिकन। अच्छा, तो इसमें क्या चिकन की जगह क्या सोया यूज़ करें? सोया यूज़ करें, ठीक है। एक और आइटम हमारे सामने है, ये क्या आपने बताया? मगज वेज ऑफर आई, मगज वेज मगज है। ओके,
तो सर ने बताया कि आप सब बैंकॉक से हैं। तो भाई ये देख सकते हैं मगज है यहाँ पे, बाकी ग्रेवी आइटम्स भी हैं। और भाई ये है यहाँ की सबसे स्पेशल ग्रेवी, सारे आइटम्स इससे बनते हैं। अच्छा, चाहे आप बटर चिकन मंगाए, चाहे आप जो मगज मंगाए, सब में ये डलने वाली है। ओके, और ये बेसिकली है क्या, खुशबू तो है और काफ़ी बढ़िया सी आ रही है। मसाला के कमाल है इसमें। अच्छा, मसाले कमाल है, बढ़िया। तो भाई ये आ गए हमारे रंग बिरंगे से आइटम, और ये बटर भी है। ये बटर भी है, अच्छा ठीक है, चलो ये बटर तो इनके ऊपर लगेगा। अभी आइटम्स ऐसे हैं कि भाई उनका नाम सारा नॉन वेज पे है, लेकिन जो पूरा रेस्टोरेंट है प्योर वेज है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप भी हमारी तरह आ सकते हैं यहाँ पे। बट भाई काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहे हैं, खासकर ये पिंक वाला, बीच वाला, क्या नाम था इसका, बटर लेग पीस। अच्छा, हैं सारे चाप ही, सारे चाप है, सोयाबीन के आइटम है सारे। भाई 250 आइटम का मेन्यू है इनका, और सिर्फ सोयाबीन पे टिका हुआ, देख रहे हो आप, बाकी थोड़ी ग्रेवीज भी अंदर अगर आप लेना चाहो तो भाई इधर अपना बनेगा बटर लेग पीस। लगाइए भाई, अभी अभी निकला था और अभी अभी गर्म और गर्म सर ने डाल दिया, हाथ लगा के। ये पिंक कलर कैसे देते हो इसको, ये कलर कैसे आ रहे हैं, थोड़ा पिंक जैसा सुंदर सा लग रहा है काफ़ी। क्या डालते हो, रोगन। अच्छा, रोगन डालते हो। अंदर स्टफिंग भी ऐसी है? हाँ जी, स्टफिंग है। किस चीज़ की है? चापी का चौक करके एकदम बारीक बारीक करके कीमा बना के इसमें स्टफिंग करते हैं। अच्छा, ये भाई मसाला, चाट मसाला जी, ठीक है। ये स्पाइसी चटनी है? हाँ जी, ठीक है। धनिया और आगे नींबू। भाई खुशबू ना बहुत गजब आ रही है सच में, क्योंकि तो नींबू को जायकी की अलग से आ रही है। और फिर बटर भी डाल दिया सर ने। ये आ गई अमूल फ्रेश क्रीम। तो 200 रुपये में सर अनलिमिटेड मिल रहा है यहाँ पर, कमाल का ऑफ़र है सच में, बहुत बड़े ऑफ़र रखे आपने। तो भाई यहाँ बनना हमारा फिश टिक्का, ठीक है। ये आ गई चाट मसाला, ये भाई रेड चटनी। तो सारे चाप में सेम ही चीज़ चलती है, डालते यही सब, लेकिन फ्लेवर सबका अलग, फ्लेवर सबका अलग है, क्योंकि बेसिक अलग है दोनों का। पीछे आएगा बटर, बहुत सही भाई। आ गई क्रीम भाई, सनी लियोनी जी आ गई हमारे सामने, ठीक है सर लगा दीजिए। तो अभी सनी लियोनी के होंगे बहुत सारे पीसेस चाप के। वैसे क्यों नाम है सर ये सनी लियोनी? कंपनी रखा है, जो कंपनी ने रख दिया है ना। अच्छा अच्छा, चाट मसाला। फिर आएगा बटर, तो बटर की जरूरत इधर ही है, तो इधर रख लीजिए सर। वैसे वो गर्म रहता है ना तंदूर पर, ऐसे जम जाता है। अच्छा अच्छा, तो भाई अब बनेगा सब सबका फेवरेट पनीर टिक्का। एक कमेंट बहुत टाइम से आ रहा था सर मेरे पास, पनीर टिक्का नहीं ला रहे ऋषभ भाई आप, तो आपने मेरी वो विश पूरी कर दी आज। चाट मसाला, रेड चटनी, धनिया, क्रीम। चलिए आइए अब बेबी डॉल के पास चलते हैं, आपको बेबी डॉल भी दिखानी है मेरे को। पहले बटर बन गया पनीर टिक्के का, आइए इधर बनता हमारा बेबी रोल है ये। बेबी डॉल, ठीक है। तो ये सोया चाप है, सोया चाप है, उसको आपने ग्रेवी में डाल के, ग्रेवी में डालता हूँ, इसके बाद कॉर्नफ्लेक्स में लपेटता हूँ, इसके बाद फ्राई करता हूँ भैया। हाँ। इसके बाद नींबू चाट मसाला मार के देता हूँ। अच्छा अच्छा, तो गाइस हम आ गए हैं बेबी डॉल के पास, और बेबी डॉल अभी फ्राई हो रही है। तो भाई बेबी डॉल की मैरिनेशन हमने आपको दिखा दी थी अभी, मुनीशा सर है, तो भाई मैरिनेशन हमने आपको दिखा दिया, बस उसी क्रिस्पी सी चीज़ को इन्होंने डाल दिया अंदर। थोड़ा बाहर लाइए सर, एक बार दिखाइए ज़रा, क्या बात है। ये बेबी डॉल की तिल्लियाँ भी फ्राई हो रही हैं, तिल्ली निकाल दोगे? तिल्ली उसी में रहेगा भैया, तिल्ली उसी में रहेगा। ठीक है, चले आइए भाई, हमारे भी चार पीस कर दीजिए, चलते हैं फिर बाहर चलो। और इधर आ गए तंदूरी मोमोज, ठीक है सर, ये तंदूर में जाएंगे, डाल दीजिए। दो तरीके से मैरिनेट कर सकते हैं, या तो सिंपल मसाले में, या फिर क्रीम भी लगवा सकते हैं इसके ऊपर, जिससे कि वाइट रंग आ जाएगा इसका। और इधर आ गया हमारे मोमोज मसाला। तो ये मोमोज किसके, वेज है पनीर, किसकी स्टफिंग है अंदर? इसमें सोयाबीन चूरा जो होता है ना, उसका बना हुआ। अच्छा। बटर, फिर आ गई क्रीम। तो गाइस हमारे साथ है विकास जी, जो कि मैनेजर हैं सिंह मलाई चाप वाले के।
सर मुझे 199 वाले ऑफर के बारे में बताइए। 199 में आपको अनलिमिटेड फूड मिलेगा हमारे यहाँ, और आप जो ऑर्डर किए हैं वो आपका फिनिश होगा उसके बाद आप। अच्छा, मतलब एक आइटम मंगाया वो फिनिश होगा तब आप दूसरा आइटम मंगा सकते हैं, पूरे मेन्यू में सब सिलेक्ट कर सकते हैं। जी सर, जो भी आइटम आप चाहते हैं। जो भी आइटम, ठीक है सर। और गाइस देख सकते हैं आप 200 रुपीज़ में अनलिमिटेड है, रिफिल मिल सकता है आपको, लेकिन आपको फिनिश करना पड़ेगा उसके बाद ही, ताकि वेस्ट ना हो खाना। बिल्कुल। तो गाइस ये स्पेशल सी प्लेटर हमारे सामने आ चुकी है अनलिमिटेड की। यार मैं एक ऐसी प्लेटर आपके सामने लाया था, तो आपने मुझे कहा था ऋषभ भाई मुझे ऐसा खाना नहीं मिला। मैं आपको कन्फर्म करना चाहता हूँ कि भाई आपको ऐसा नहीं मिलने वाला, आपको इसमें मिलने वाला है, और एक चीज़ मिलने वाली है एक बारी में। ये हमारे लिए यूट्यूबर्स के लिए, ताकि हम आपको ज़्यादा खाना, ज़्यादातर आइटम दिखा सके। तो प्लीज़ टर्म्स एंड कंडीशन आप देख लीजिएगा, बाकी आइए ट्राई करते हैं। नाम तो इतने अजीब अजीब से थे, पहले मोमोज पे आते हैं जो कि भाई दिल्ली की जान है। ये देखिए मोमोज बटर से लबालब है। गाइस मोमोज का साइज बहुत बड़ा है, आपको बहुत बड़ा मुंह खोलना पड़ेगा। ये मसाले वाला है, अगर आप क्रीम वाला लेते हैं ना तो वो थोड़ा मसाला दबा देगा, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा स्पाइसी वाला। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप मसाले वाला ट्राई कर सकते हैं। फिर आते हैं पनीर टिक्का पे। खट्टा खट्टा नींबू का जायका और मसालेदार स्टफ चाप, जिसके अंदर पनीर मटर वगैरह की स्टफिंग हुई है। ये बहुत कमाल था, चाप की जो लेयरिंग है ना बहुत पतली है, और आपको स्टफिंग भी लोने वाली है ज़्यादा। फिर आता है जो मुझे पिंक कलर का सबसे बढ़िया लगा था, बटर लेग पीस। नॉर्मल चाप की तरह लगा, मलाई चाप, जो कि आपको हर चाप वाले पे ज़रूर मिलने वाली है, जान है चाप की। भाई ये आगे स्तन्नी लियोनी चाप, देखते कैसी है। भाई बेस डिफरेंट है, बट ये वाली मुझे बाकी से ज़्यादा स्पॉन्जी लगी। फिश टिक्का पे आते हैं। फिर आते हैं फाइनल आइटम पे, बेबी डॉल। देखिए सर भाई क्या है ऐसा बेबी डॉल में, थोड़ा तोड़ के अंदर देखूँ मैं। चाप ही है पर बाहर से क्रिस्पी है। ये कमाल का आइटम है भाई। और फिर बचा हमारा मियां खलीफा रोल। इससे मैं थोड़ा सा मुझे लगा कि यार शायद चाप को पहले थोड़ा करना चाहिए था, मीन कटिंग करनी चाहिए थी इसकी, थोड़ा बारीक काटना चाहिए था, और उसके बाद इसमें फिलिंग भरनी चाहिए थी, तो थोड़ा और बढ़िया लगता। हैवी आइटम लग रहा है, बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है। तो ये रोल लेने के बाद आपका पेट भरने वाला है, बट है टेस्टी है। तो मुझे लगा थोड़ा बारीक से कट होकर ना वो शोरमा वाली बात आएगी, बट वो इसमें थोड़ा डिफरेंट है। बट यू कैन इन्जॉय इट, आपका टेस्ट बढ़िया आएगा इसमें, लेकिन थोड़ा हैवी आइटम है, तो अच्छी डील है मेरे हिसाब से। अगर आप चाहते हैं पूरी प्लेटर आपको मिल जाए पैकिंग के लिए, तो गाइस आपको 600 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, जैसा कि इन्होंने हमें बताया। बट अगर आप खाने आ रहे हैं यहाँ पर, तो आप 199 रुपीज़ में हर एक आइटम एक एक बार ही सिलेक्ट कर सकते हैं, और फिनिश करने के बाद आप ले सकते हैं, इसमें मिलेगा आपको आइटम। तो चलिए इतने सारे आइटम हम खा तो नहीं पाएंगे, थोड़ा पैक करवाते हैं, कोई नीड ही मिलता है तो उसकी हेल्प करते हैं। तो
टाइमिंग की बात करें शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक है। महीने के आखिरी वेडनेसडे को इन्होंने बंद कहा है हमें, बट मैं आपको कॉन्टैक्ट करने के लिए कहूँगा हमेशा, अगर आप इस डील के लिए आ रहे हैं ना भाई, पहले कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर लीजिएगा कि हम आ रहे हैं, हमें ये डील मिलने वाली है, ताकि हम भी थोड़ा सेफ रहे और आप कमेंट पर हमें गालियाँ ना दें। थैंक फॉर वॉचिंग गाइस, लाइक कर दीजिए वीडियो को।